नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित नगर पालिका के रैन बसेरे में ठंड से बुजुर्ग की मौत से खलबली मच गई, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन इसे सामान्य मौत बता रहा है। बता दें कि अमरोहा जनपद से गजरौला कस्बे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा गजरौला ब्लॉक परिसर में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरे में रविवार की रात को भजनलाल नाम के एक बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई। ठंड का प्रकोप ज्यादा होने पर उन्होंने सुबह 6:30 बजे दम तोड़ दिया। भजनलाल की मौत की सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिकारियों में खलबली मच गई। आनन फानन में सभी अधिकारी गजरौला ब्लॉक सभागार पहुंचे। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि रैन बसेरा जिस स्थान पर बनाया गया है वहां पर खिड़कियां खुली हैं, उनमें दरवाजे तक नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि यहाँ पर बर्फीली हवाएं अपना कहर बरपा रही होंगी और सर्द रात में इस बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत। तो तबीयत से खराब चल रही थी। अच्छा, जैसे रैन बसेरे में ये इन्हें दिखा, इनकी बॉडी जो मिली है रैन बसेरे में मिली है। हाँ। इन्हें ज्यादा घूमने का शौक था, मेरे पास भी रहते थे और कभी घूमने चले जाते थे, ज्यादातर तो मेरे पास ही रहते थे। अच्छा, तो अब आप ये कई दिन से नहीं थे आपके पास? एक डेढ़ महीना हो गया। तो उसके बीच में कहीं रहते थे, आपको पता था कहाँ रहते थे? बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कल रात 10:50 पे रैन बसेरे में आए थे और सुबह जैसे सभी लोग उठ गए थे तो जो अटेंडेंट थे वहाँ पर, इन्हें भी उठाकर देखा लेकिन कोई हलचल जैसे नहीं महसूस हुई, तो CHC में डॉक्टर साहब को फ़ोन किया गया। डॉक्टर साहब मौके पर पहुँचे और देखने के बाद उन्होंने मृत्यु किया। उनको इस तरह से, चूँकि ये बुजुर्ग थे और 65 वर्ष से अधिक आयु के थे, तो सुबह की मृत्यु। तो उनके परिजन आ गए थे क्या? जी, उनके परिजनों को बुलाया गया और उनके परिजनों ने देख करके कि स्वाभाविक मृत्यु है, तो उनके परिजन सब को लेकर अंत्येष्टि के लिए गए, जिसमें नगर पालिका ने भी अपना, जिसे नगर पालिका परिषद के अधिकारी विजेंद्र सिंह सामान्य मौत बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि मौत के बाद जब मृतक के परिजन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे तो जिला अधिकारी के आदेश पर उनकी डेड बॉडी को बीच रास्ते से वापस CSC लाया गया और जिला अधिकारी के आदेश पर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।